नेचुरल हेल्थ और फिटनेस टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जैतून तेल के फायदों के बारे में। दोस्तों, जैतून तेल के त्वचा के लिए क्या बेनिफिट्स हैं और कैसे इस्तेमाल करना है, पूरी जानकारी हम लोग इस वीडियो में लेंगे। तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। आइए जानते हैं हम लोग ओलिव ऑयल यानी कि जैतून तेल के बारे में। दोस्तों, जैतून तेल के कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और इसमें स्किन के लिए कई जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं। जैतून का तेल फ्री रेडिकल्स से लड़ने में आपकी हेल्प करता है, जिससे एजिंग का निशान नहीं दिखते हैं और आपकी त्वचा खूबसूरत बनी रहती है। ये स्किन के लिए नेचुरल मॉइस्चराइजर के रूप में भी काम करता है। आइए जानते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं और किन किन तरीकों से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि आपको लास्ट में मैं कुछ ऐसे टिप्स या कुछ ऐसे तरीके भी बताने वाला हूँ जिससे आप अपने चेहरे को अच्छे से चमका पाएंगे। तो आइए जानते हैं। तो अगर आप जैतून के तेल को आंवले के साथ इस्तेमाल करते हो अपने चेहरे पर, तो इससे भी आपके चेहरे के लिए कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। आपका चेहरा चमकदार हो जाता है। चलिए जानते हैं कैसे हम इसका इस्तेमाल करें। तो आपको एक चम्मच जैतून का तेल लें और इसको आंवले का रस मिला लें इसमें। इससे आप अपने चेहरे पर और गर्दन पर मसाज करें। कुछ देर तक इसे लगा रहने दें और 15-20 मिनट के बाद चेहरा पानी से धुल लें। ऐसा आपको एक वीक में सिर्फ 3 बार करना होता है। इससे आपके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा निखार आएगा, आपका चेहरा चमकदार दिखेगा। बात करें नंबर 2, नारियल और जैतून का तेल। दोस्तों, नारियल का तेल और जैतून का तेल बराबर मात्रा में ले लें, दोनों को एक साथ मिलाएं। अब इसे चेहरे पर लगाएं और कुछ देर तक मसाज करें। 10 मिनट तक आप इसे चेहरे पर लगा रहने दें और 10 मिनट के बाद आप इसे सादे पानी से धो लें। ऐसा करने से भी आपका चेहरा चमकदार बनता है और आपके चेहरे पर झाइयाँ भी खत्म होती हैं। नंबर 3, बात करें जैतून तेल, चेहरे पर जैतून तेल की मसाज। दोस्तों, एक चम्मच जैतून का तेल लें और इसे पूरे चेहरे पर मसाज करें। 10-15 मिनट तक ऐसा आपको करना रहता है और इसके बाद चेहरा को धुल लें। इससे भी आपका चेहरा चमकदार बनता है। जैतून का तेल और गुलाब का तेल। दोस्तों, एक चम्मच जैतून के तेल और गुलाब के तेल में कुछ बूंदे मिलाएं। अब इसे अपने चेहरे पर लगाएं। 1 घंटे तक इसे चेहरे पर लगा कर रखें और इसके बाद भीगे तौलिए से इसका चेहरा पोंछ लें। इससे भी आपका चेहरा चमकदार बनता है और आप अच्छे और हैंडसम दिखते हैं। चाहे आप वुमेन हो या फिर मैन हो, दोनों लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, जैतून के तेल को आप केले के साथ में भी इस्तेमाल कर सकते हो। इससे भी चेहरे पर लगाने से कई सारे बेनिफिट होते हैं, जैसे झाइयाँ, दाने, मुहासे आदि समस्याओं में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, एक पका हुआ केला लें और इसे एक बाउल में मैश कर लें। अब मैश किए हुए केले को जैतून के तेल की कुछ बूंदें डालें, इसे मिला लें और चेहरे पर और गर्दन पर लगाएं और कुछ देर के बाद मसाज करें। कुछ देर बाद चेहरे को सादे पानी से धो लें। हफ्ते में कम से कम 2-3 बार इसका इस्तेमाल जरूर करें। दोस्तों, इससे आपका चेहरा चमकदार बनता है और बाहरी साइड इफेक्ट्स वाली मेडिसिन से आप बच जाते हैं। दोस्तों, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, सबसे ज़्यादा बेनिफिट यही होता है। दोस्तों, आपको इस चैनल पर हमेशा नेचुरल तरीके से बॉडी या फिटनेस से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।